नमस्कार। जन सरोकार मंच अपने आज के सवाल श्रृंखला के साथ अपने प्रबुद्ध श्रोताओं को लिए आदरणीय भाई रमेश जी मीणा डॉक्टर साहब के साथ अपने सवाल लेकर जुड़ रहा है। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासी समाज के ऊपर ऐसे जो नृशंस कांड हो रहे हैं और जितनी आवाज उठनी चाहिए उतनी आवाज क्यों नहीं उठ रही है, चेतना इतनी भौंडी क्यों हो गई है, धार कहाँ गई, ये दोनों प्रश्न हैं। तो मैं भाई रमेश जी से आग्रह करूंगा कि वो इस पर अपनी बात कहें और हम सहर्ष सुनना चाहेंगे। जी नमस्कार। आदिवासी को लेकर के जो घटनाक्रम घटित हुआ मध्य प्रदेश में, जहां से हमने बात आरंभ की थी, जी जी, और संयोग इस तरह का बना कि यकायक, वैसे तो दोनों संयोग ही यकायक ही घटित हुए, लेकिन जनता के सामने आया सोशल मीडिया के तहत ही। और 2 सप्ताह पहले शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गठित हुआ था एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने से, लेकिन शाम होते होते शिवराज सिंह सामने आए और उसको किसी तरह से लीपापोती कर दी गई। और वो घटनाक्रम को हम लगभग देश की जनता, क्योंकि देश की जनता बहुत जल्दी ही इस सोशल मीडिया में भूल भूल जाती है, भुला दी जाती है, या यूं कहें कि पूर्वोत्तर से एक बड़ी घटना सामने आ गई, और दुर्भाग्य से ये कहेंगे कि वो भी आदिवासी को लेकर ही घटित होती है। मैं पिछले सप्ताह से पूरा देश गवाह बन चुका है, हालांकि मीडिया में ये बात ठीक से अभी तक नहीं आ रही, लेकिन YouTube और सोशल मीडिया बराबर सक्रिय है और जो कहा जाता है कि विश्व स्तर तक की बात पहुंच चुकी है। इसी दौरान जनप्रतिनिधि और पार्टियां भी सक्रिय हुई। मुझे 2 काव्य सामने आए, एक राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी का कहा हुआ, मैं बात वहां से आरंभ करूं। मैं मणिपुर हूं, मेरी सदाएं सुनो। और ये लोकसभा के सामने बैठ करके ये कविता बराबर सुनाई जाती रही। एक नज्म सामने आई इसी दौरान जो लगभग इस घटनाक्रम को किस तरह से निरूपित करती है, मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ये नज्म है, जब मणिपुर जल रहा था, गोहर रजा की नज्म है। इसे मालूम है कब आंख से आंसुओं की धार बहानी है। इसे मालूम है कि कब आंख से आंसुओं की धार बहानी है। वो आगे लिखते हैं, डरो उस वक्त से जब वतन की औरतें उठकर तुमसे उरियां करेंगी, तुम्हारी अदाकारी का पर्दा फाड़ देंगी। जब मणिपुर जल रहा था, इसे मालूम है। और एक पंक्ति तो साफ साफ कहती है, ये सरासर झूठ है कि तुम बेखबर थे। और ये हमने देखा कि किस तरह से घटनाक्रम हमारे सामने आता है और छुपाने का पूरा प्रयास किया जाता है। दरअसल मणिपुर के बारे में, जहां उस प्रदेश की जनसंख्या का 35%
कुकी समुदाय आदिवासी समुदाय और नगा समुदाय है जो 10% आता है। और कहा जाता है कि एक औरत जो करके जो उनके साथ है, इसके अलावा मैथेई बहुसंख्यक है। और कहा जाता है कि इस वक्त बहुसंख्यक वाद चल रहा है, जिसकी संख्या ज्यादा वो कुछ भी कर सकता है। शायद हम देश भर में जो देख रहे हैं वो मणिपुर में भी कुछ इसी तरह से घटित होता है कि मैथेई का 55% होना और उसी मैथेई समुदाय से एन बीरेन सिंह का आना। और संयोग देखिए कि सीएम यहां भी सक्रिय होते हैं कि इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा का घटनाक्रम या कहेंगे स्टंट किस तरह से होता है कि वो वहां की मैथेई समुदाय की औरतों के द्वारा इस्तीफा काट दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि जनता नहीं चाहती कि मैं इस्तीफा दूं, यानी तब तक इस्तीफे की बात ही नहीं आई थी। तो ये समझ सकते हैं कि आखिर एक आदिवासी समुदाय पर लगातार अटैक किस तरह से हो रहे हैं। ये मणिपुर का मसला शुद्ध रूप से राजनीतिक हो चला है, या कोई घटनाक्रम इस तरह से नहीं होता। यानी आदिवासी समुदाय जो पहाड़ियों पर रह रही है कुकी, और जिनके पास जमीन का हिस्सा कहा जाता है कि 90% है, घाटी में मैथेई रहते हैं लेकिन बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि भी इनके ज्यादा है। अब इनको वो जमीनें चाहिए, जैसा कि देश के अन्य कोनों में भी हो रहा है। तो उस पर कब्जा करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है। और संयोग के देखिए कि कोर्ट से भी, कोर्ट ही कह रहा था कि क्यों इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, और इसी मुद्दे पर वहां व्यवस्था बिगड़ती है। लेकिन व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके पीछे राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाती है। माना यह जाता है कि वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से, अब ये देखिए कि वो चाहते हैं, आदिवासी अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं दिकु, और ये किसी भी प्रदेश का आदिवासी क्यों हो, चलिए यहाँ तो स्थिति ठीक है कि 35% है, झारखंड तो प्रदेश आदिवासी कहलाता है, आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, पहला हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है झारखंड जो बना भी आदिवासी के नाम पर, और अधिकांशतः आदिवासी मुख्यमंत्री होते रहे। लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं होता। मैं कहना यह चाह रहा था कि बिकु जब कहा जाता है तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक थियरी जिसको समझा जाना चाहिए कि आदिवासी रहते हैं जंगलों में पहाड़ों में, वो नहीं चाहते कि उनके बीच में बाहरी लोग आए, कोई भी नहीं चाहता। जो अगर मोटा मोटी तौर पर देखें तो हम हिंदुस्तान में सदियों से आक्रमण होते रहे और मुसलमान आते हैं, लगातार आक्रमण करते हैं, 800 साल शासन करते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, वो भी बाहर से आते हैं। हम कब चाहते थे कि वो यहाँ आए, लेकिन वो आए, उनसे तो आजादी हमें मिली। अब आदिवासी के साथ मूलवासी भी जुड़ा हुआ है, ये राजनीतिक समीकरण क्या कहता है कि आदिवासी शब्द का ही इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उनको वनवासी कहा जाता है। आप ये समझिए कि वनवासी कहने से और आदिवासी कहने में बहुत फर्क पड़ता है। आदिवासी नहीं चाहते कि उन्हें वनवासी कहा जाए, लेकिन बाहरी लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कुछ भी कह दीजिए, लेकिन उनके हित निहित है। वनवासी कहने से ये साबित हो जाता है
कि आदिवासी यानी मूलवासी, मूलवासी कौन है जो आर्य है, इस तरह से ये बहस को इस तरह से घुमाया जाता है। क्योंकि मैंने भी जब यहाँ बूंदी में दो सेमिनार किए थे, जहां पर रामदयाल मुंडा आए थे, रमणिका गुप्ता आए थे, वीरभद्र तलवार आए थे और भी, तो हमने एक प्रस्ताव भी पास किया था, ये वनवासी मूलवासी वाला मसला जो था, आदिवासी वाला, तो आदिवासी मंचों से अक्सर आदिवासी कहा जाता है। हमने सेमिनार का प्रपोजल जो दिया था उसमें से उसमें भी लिख करके आदिवासी ही भेजा था, बाकायदा यूजीसी ने आदिवासी ही स्वीकार किया। आप ये देखेंगे कि इधर किताबें भी लिखी जाती है, वो भी आदिवासी विषय पर, आदिवासी नाम से ही, लेकिन ये अक्सर वनवासी कहेंगे, वनवासी कल्याण परिषद बनाएंगे और इसी के बहाने उनका कल्याण करने का भी प्रयास करेंगे, और फिर एक मुद्दा उछाला जाता है कि हम इनको ईसाई होने से रोकते हैं। कहा यह जाता है कि ईसाई बाहर से आए और इन्होंने इनके बीच में जाकर के शिक्षा की अलख जगाई, वो शिक्षित हुए और प्रभावित होकर के कुछ ईसाई हुए, होने का तो कारण यह है कि गरीबी कुछ भी करवा सकती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है अपनी मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। तो यह कसम कस इस बात की चलती है कि वनवासी कल्याण परिषद इनको हिंदू बनाए रखने का प्रयास करती है और आदिवासी अक्सर हिंदू कहने के बजाय वो अपने जिस भी समुदाय से आते हैं वो कहलाना पसंद करते हैं, प्रकृति को महत्व देते हैं, ये सब करते हैं। तो मैं जो यहाँ कहना चाह रहा था उसका मतलब इतना था कि वो दिकु जब कहते हैं कि दिकु जब भी आते हैं उनकी जमीनों को छीनते हैं, एक अवसर वो आता है, झारखंड के बारे में भी कहते हैं कि वो लगातार कम होते जा रहे हैं, झारखंड में भी बाहरी लोग बराबर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। मणिपुर में चूंकि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनप्रतिनिधि मैथेई की ज्यादा है, सरकार उनकी बनती है, और ये जो सारी लड़ाई अभी चल रही है इसके पीछे निष्कर्ष से निकल के आता है कि केंद्र सरकार भी एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लेने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि वो बहुसंख्यक है, उनको नाराज नहीं कर सकते। आप ये देखेंगे ये घटनाक्रम किस तरह से मोड़ लेता है कि सन 2002 में गुजरात दंगा होता है, उसमें राजधर्म की बात की जाती कि राजधर्म निभाए जाए, लेकिन वहां इस्तीफे की बात आई थी तो पता चला कि उस वक्त वर्तमान पीएम जब सीएम थे तो इनका इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं थे। आज चूंकि ये पीएम है वो सीएम है, वहां भी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि ये चाहते हैं कुछ करना भी, तो ये नहीं चाहते कि वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। तो वोट बैंक की राजनीति क्या क्या नहीं करवा रही, हम ये देख रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, ये एक तरह से उस मूल आदिवासी को इस तरह से दबा दिया जाए, उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाए कि ताकि वो अपने हकों की आवाज न उठा सके। अगर उस क्षेत्र में आदिवासी वहां रह रहे हैं, अपने रीति रिवाजों से रह रहे हैं और उनकी रीति रिवाजों को मानते हुए उन जमीन पर रहने का उनका हक है लोकतंत्र में, अगर जन सामान्य भी उनके जो महज 35% कुकी होते हैं, 10% नागा होते हैं, और नागालैंड में वो भी आदिवासी कहलाते हैं, कहा जाता है कि पूर्वोत्तर के सातों राज्य में आदिवासी होते हैं,
अब आदिवासी, अगर वो सामान्य को भी आदिवासी में शामिल कर लिया जाएगा तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां स्थिति क्या बनने वाली है। इसको बनाने के लिए सिर्फ मूल मकसद ये है कि वो जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनके पास ज्यादा जमीन है, हमारे पास वो जमीन कम है, घाटी में रहते हैं। राजनीति उनके पास है, जनप्रतिनिधि उनके पास ज्यादा है, लेकिन उनके पास कम है तो जमीन कम है, साधन संपन्न है। अब आदिवासी का रिजर्वेशन जो उनको मिला हुआ है अल्पसंख्यक होने के नाते, एक बहुसंख्यक भी अल्पसंख्यक की स्थिति में आकर के उनके हकों को मारना चाहता है, इसके लिए लगातार 2.5 महीने तक मणिपुर में नंगा नाच होता है। अगर वो बहुसंख्यक है तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों को दबाया जा सकता है। इस तरह की राजनीति पूरे देश में चल रही है और मीडिया को जिस तरह से कब्जा किया गया कि मीडिया वही बोले जो हम कहें, तो ऐसे में हम तक खबर किस तरह से आएगी? और नेट के थ्रू आ सकती तो नेट भी वहां बंद था, ये वीडियो किसी तरह से बन गया और हमारे तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट जब सवाल करता है तब जाकर के पीएम जो कहते हैं कि जो 8 मिनट की बात की गई उसमें 35 सेकंड मणिपुर पर बात की गई, उसके भी पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, फिर मणिपुर आया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत मणिपुर में उन आदिवासियों के हकों को मारा जा रहा है। मैं फिर वापस लौटता हूं इस बात को लेकर के कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के होते हुए चंद महीनों में आदिवासियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा हो, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां स्थिति क्या होगी। कम से कम इतना तो लिहाज किया जाना चाहिए कि जो राष्ट्रपति उन्हीं के द्वारा चुना गया है, कम से कम उनकी कौम के साथ न्याय हो। हम याद करें कि पिछली बार में भी हमने बात की थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच में महामहिम ने कहा था कि कितने ही आदिवासी बिना जुर्म के साबित हुए बिना जेलों में बंद होते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते। कारण ये कि उनके पास जमानत लेने के लिए पैसे नहीं, और इधर आप कितने भी जुर्म कर लीजिए जमानत आप ले लेंगे और आप बाहर आ जाएंगे और फिर सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे गरीब मजलूम कौम आदिवासी कहलाते हैं, जो कम से कम संसाधनों में अपना जीवन भरण पोषण करते हैं, जंगल पहाड़ों में रहते हैं। अगर उनके पास किसी भी कारण से पहाड़ ज्यादा है तो मणिपुर में वो भी चुभ रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि हमारे पास ये भी हो जाए, जबकि आपके पास सब कुछ है, व्यापार है, बिजनेस है, शिक्षा है, और यहाँ तक कि राजनीति पावर भी आपके पास है, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपके पास ज्यादा है, उनके पास महज वो पहाड़ी ज्यादा है। उस पहाड़ पर भी आप ही सोचते हैं कि पहाड़ इनके पास ज्यादा क्यों है। तो ये मसला यहाँ आकर के इतना बड़ा राजनीतिक मोड़ लेता है कि आज संसद भी चल नहीं पा रही, यानी पूरे देश की निगाह इस वक्त मणिपुर में है। शायद इसी कारण से आदिवासी की आवाज उठ रही है, लेकिन वहां पर आदिवासी बनाम अन्य नहीं हो रहा, बल्कि आवाज को दबाया जा रहा है। हकीकत अभी भी सामने नहीं आ रही, और जब हम आज यहाँ बात कर रहे हैं मणिपुर के आदिवासी कुकी और नगा समुदाय की, इस समय भी संसद नहीं चल पा रही। तो इस तरह से ये मुद्दा इतना गर्म है कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी संसद चले, मणिपुरियों की, मणिपुर प्रदेश की आवाज उठे और कुकी समुदाय के साथ न्याय हो। पूरा देश और ये मीडिया, सोशल मीडिया खास करके, इसको धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद में हमारा ये जन सरोकार भी सीधा मणिपुर से जुड़ता है। मैं चाहूंगा कि आपके कुछ सवाल हो तो हम उस तरह से बात करें। सक्सेना साहब, सारी आपकी ठीक है बिल्कुल।
जिस परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए वो सभी संदर्भ आप छू रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है किसका, क्या हम कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं? क्या हम कोई सुझाव दे सकते हैं? हमारी सोच की दिशा कहाँ जाएगी, या वो भी कहीं मौन हो जाएगी? देखिए, सुझाव हमारा बहुत बड़ी महापंचायत संसद है और हमारे जनप्रतिनिधि भी वहां बैठे हुए हैं। आप देखिए देश की सिचुएशन किस तरह की है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर संचालित नहीं हो रहे। अगर वहां बहस हो गई तो निष्कर्ष निकल करके आएगा कि आदिवासी हितों की रक्षा हो सकेगी, और अगर वहां गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर पहली बार तो सीएम को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर कि उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं सकी। अगर 2.5 महीने तक किसी प्रदेश की व्यवस्था पटरी पर न हो तो क्या 1 सप्ताह भी वो सरकार चल पाती, ये हमारे आपके सबके सामने सवाल है। लेकिन उस प्रदेश में चलती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सवाल करता है कि आप अपनी सरकारों के प्रति नरम होते हैं, और यहाँ तक कि सोशल मीडिया या विपक्ष है, विपक्ष इसके बाद विपक्ष सामने आता है, या कहें कि विपक्ष को विपक्ष का काम ही नहीं करने दिया जा रहा। संसद में विपक्ष बोलेगा, संसद को नहीं चलने दिया जा रहा। आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र में रहते हुए भी लगता है कि हम राजतंत्र में रह रहे हैं, जो एक चाहते हैं वो हो रहा है। अब आप हमारे सुझाव की बात कर रहे हैं तो लगातार मीडिया अपना काम कर रहा है, लेकिन वो मुख्य मीडिया टीवी वाला नहीं, सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, व्यूअर्स 5 से 55 लाख तक आ रहे हैं, वो देख रहे हैं और वो तटस्थ होकर के अपनी बात कह रहे हैं। बोलने पर सुन वाजपेयी आ रहे हैं, अंजुम जी आ रहे हैं, रवीश बराबर अपना यूट्यूब चला करके आ रहे हैं। मीडिया वो जो मुख्य मीडिया कहलाता है वो तो कब्जे में आ गया पहले ही, जिसे वो पहले गोदी मीडिया कह गए, तो वो तो गोद में बैठा हुआ है, उसको नहीं दिखेगा। वो किस तरह से की बहस कर रहा है ताज्जुब करोगे, पिछले 15 साल से मैंने भी टीवी नहीं देखा, वो न्यूज देखी नहीं जा सकती क्योंकि न्यूज पे सांप से चुंदर पता नहीं क्या क्या दिखाए जाएंगे, मुख्य मुद्दे गायब रहेंगे या उनका गुणगान किया जाएगा। आदिवासी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सामाजिक सरोकार वाले मुद्दे हैं जो अब गायब है उस मीडिया से। वहां कुछ कहानियां बनाई जाएगी और सुनाई जाएगी। अब यूट्यूब जिससे कि हम सब, मैं भी पिछली बार सुन रहा हूं जब से मणिपुर हुआ, न जाने कितने ही वीडियो सुने, वो लगता है कि सच्चाई इनके साथ है लेकिन व्यूअर्स उनके साथ कम। शायद ये कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वो समझदार वोटर्स है वो उन यूट्यूब से अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, यानी उनको जो जानकारी चाहिए उनको मिल रही है। और हो सकता है कि ऐसे भी आंकड़े देर सवेर आएंगे जब पता चलेगा कि यूट्यूब पे 5 या 55 लाख जो जुड़े हुए हैं और उनके जो करोड़ों में जुड़े हुए हैं वो करोड़ों के हो सकता सास भी कभी बहू थी उस तरह के सीरियल देखने वाले ही। लेकिन समस्या ये आ रही है कि जैसे जो वोटर चाहिए, मतदाता जो चाहिए, जो सरकार बना सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा ऐसा तबका हो गया है जो उनके फेवर में चला जाता है, सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल देख करके भी। तो इस कारण से हमें धन्यवाद देंगे इस YouTube का ही, इस चैनल के माध्यम से अभी भी मीडिया YouTube मीडिया बचा हुआ है। वो पत्रकार बाहर आकर के उस मीडिया से निकल करके इस्तीफा दे करके अपना YouTube चैनल चला करके हमसे जुड़े हुए हैं, और हम जनसरोकार मंच के तहत भले ही उनकी तुलना में हमारा दायरा कम हो, लेकिन फिर भी यही मीडिया है जो उस
सामान्य वर्ग की, हाशिए पर रहने वालों की आवाज उठा सका। ये कहें कि महिलाओं के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है, शिक्षा उनको बाद में मिली, हक हकूक अभी भी नहीं मिल रहे, पुरुष मानसिकता आज भी हावी है। और ये घटना देखिए कि किस तरह से हम कहाँ रह रहे हैं, कितने जंगली है कि अगर आपको विरोध करना है, बदला भी लेना है किसी तबके से, तो महिला को नंगा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हम कहाँ आकर, हम ये कहेंगे कितने आधुनिक हुए, कितनी तकनीकी से लेस हुए, लेकिन मीनिंग लेस हुए। अर्थ क्या निकल रहा है कि हम वही आदिम काल में जब पत्थरबाजी करते थे, उनसे लड़ते थे, हथियार नहीं थे, महिलाएं नंगी थी, आज उस महिला को नंगा किया जा रहा है, हासिल क्या होगा? यानी इस बिंदु पर आकर के पहली बात, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही नैतिक दायित्व नहीं रह जाता है कि ये अब अपनी स्थिति में बनी रहे। लेकिन वो नैतिकता भी लगता है वर्षों पहले चली गई, जब मंत्री से संबंधित कोई घटना हो जाती थी तो इस्तीफा दे देता था अपनी मर्जी से बिना कहे। अब मांगने पर नहीं दिया जाता, बल्कि स्टंट किए जा रहे हैं, और केंद्र से मांगा नहीं जा रहा, सीएम से दिया नहीं जा रहा। ये मजेदार घटनाक्रम है और जनता देख रही है। ताज्जुब ये कि जनता को किस तरह से गुमराह कर दिया गया है कि अंत भक्ति में जनता ये भी नहीं कहती, सही भी नहीं कह पाती, वो दो दलों में बटी हुई है। तो अधिकांश लोग जैसे ब्रेन वॉश हो गया, जैसे भक्ति में बह रहे हैं, या एक पक्ष को अंधे होकर कि हम उसको मान लेंगे, उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, वो गलत चाहे कितना भी हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में नैतिकता का तकाजा जैसे रही नहीं गया, न जनता में रहा, न जनप्रतिनिधि में रहा, न मंत्रियों में रहा, न मुख्य नेता में रहा। हम ये कहेंगे कि हम कहाँ जी रहे हैं, किस तरह से एजुकेशन देंगे हम? आखिर जो हमारा नेता है वो हमारा आदर्श होता है, और आदर्श लगातार झूठ बोल रहा है। बल्कि आदर्श उस नेता को सिर्फ हमेशा वोट ही चाहिए, बोलना था संसद में, बोल रहे हैं लोगों के बीच में। अब ईडी वही चाहिए, अब ईडी वही क्यों चाहिए, सवाल ये उठता है। भाई अगर रिटायर हो गए और वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो फिर चाहिए कि हर एक कोई 2-4, 5 साल, 10 साल, 70 साल की उम्र तक उसको एक्सटेंशन दीजिए, अन्य को भी दीजिए, बहुत बेहतरीन ईमानदार काम करने वाले भी हैं, और इतने ईमानदार काम करने वाले हैं कि पहले ही इस्तीफा देकर के रुखसत कर दिया जाता है या खुद ही रुखसत हो जाती है। तो इसका मतलब दाल में काला है, सबको लग रहा है, कोर्ट को भी लग रहा है, कोर्ट लगातार कह रहा है। अब विपक्ष के हाथ में जितना है वो किया जा रहा है कि संसद इसी बिना पर चलेगी कि पीएम आए और बात करे मणिपुर पर, उन आदिवासियों पर, उन कुकी आदिवासियों पर, महिलाओं को किस तरह से, पता नहीं कितने। अब ताज्जुब तो आप ये करेंगे कि सीएम खुद कह रहा है कि ये एक घटना को लेकर के आप बवाल मचा रहे हो, इतनी इस तरह की घटनाएं न जाने कितनी हुई, ये कह करके भी अपनी जगह पर बना हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? अगर ये इस तरह से नेतृत्व दे रहे हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे सुझाव कौन सुनेगा? सुझाव देने के लिए ही संसद में आमने सामने बहस होने वाली थी, और कुछ न कुछ निकल कर जा रहा, मंथन होता, विष भी निकलता तो अमृत भी निकलता। मुझे तो लगता है रमेश जी कि पहले टर्मिनोलॉजी हुआ करती थी राजनैतिकता, राजनैतिक शब्द हुआ करता था, अब वो नैतिक शब्द तो गायब हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया राजनीतिक, और वो राजनीतिक ने अब चोला पहन लिया कुटिलताओं। तो ये बड़ा दुरूह स्थिति हो गई है कि ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र की बात ठीक से कर पाए, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे याद आ रहा पिछली बार आपने एक सवाल किया था, वो मैं पिछला वीडियो इसलिए देख रहा था, सवाल ये था
आपने यकायक सवाल कर दिया था कि 13 करोड़ आदिवासी कम तो नहीं है। जी चलिए 13 करोड़ पूरे भारत में है, ठीक है, मणिपुर में 35% है, 1.5 करोड़, हाँ 35% वहां है, नहीं 1.5 करोड़ नहीं, लाखों में आती मणिपुर की जनसंख्या को बताया जा रहा है, तो हाँ पूरे जोन में आएगी, मणिपुर में कुछ लाख है तो 35% वहां बैठती है, ठीक है। अब बताइए 35% होते हुए भी वो अपनी बात नहीं रख पा रहे, बहुसंख्यक लोग उनकी आवाज को किस तरह से दबा रहे हैं, और मुख्यमंत्री न्याय नहीं कर पा रहे, कैबिनेट न्याय नहीं कर पा रहा, जो जनप्रतिनिधि कुकी है वो वहां सुरक्षित नहीं है, वो दूसरे प्रदेश से होकर के दिल्ली की तरफ आते हैं, जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहा। अब आप बताइए, आप हमसे कह रहे हैं कि सुझाव, हमने जनप्रतिनिधि इसलिए चुना कि वहां जाकर के आवाज उठाएगा विधानसभा में, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अब ये देखिए इसको, ये हम अंत में ये कह सकते हैं कि भारत पाक विभाजन हुआ था, हमारी मजबूरी थी, महात्मा गांधी ने सब कुछ किया और इस मुद्दे पर वो बदनाम भी हुए, यहां तक कि गोली से उनको उनका बलिदान भी कर दिया गया। आज भी ये मुद्दा गर्म है, एक वर्ग है जो कहता है कि गांधी गलत है। आप ये देखिए कि मणिपुर प्रदेश में वो अपने आप ही विभाजित हो गए, अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, क्योंकि डॉक्टर है, क्योंकि इंजीनियर है, अगर वो मेथी इलाके में रह रहा था तो ट्रांसफर करा के उधर चला गया, छुट्टी लेके चला गया, क्योंकि वहां सुरक्षित नहीं, जान नहीं, जान है तो जहान है, बचे रहेंगे तो नौकरी भी करेंगे। तो ये कहिए कि ऐसे अगर वहां पर हालात बन गए हैं तो सामान्य हालात बनने में कितना वक्त लगने वाला है, ठीक है, और ये सिर्फ अपनी राजनीति के कारण हुआ, हल्की राजनीति, निम्न राजनीति के लिए। जी बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जन सरोकार मंच तो आभारी रहेगा रमेश जी, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का साथ मिलता रहे, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही सभी ज्वलंत सवालों पर बेबाकी से बात होती रहे, कुछ ना कुछ तो हमारा सहयोग हो ही जाएगा। आज के इस प्रोग्राम नमस्कार, धन्यवाद।